नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अमेरिका ने दिए सबूत, पाक में रची गई थी पठानकोट हमले की साजिश। अमेरिका ने इस बात की पुष्टि की है कि साल की शुरुआत में पठानकोट में हुए हमले की साजिश पाकिस्तान में ही रची गई थी। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक इस मामले में अमेरिका ने भारत को कुछ सबूत सौंपे हैं। यह सबूत ऐसे समय दिए गए हैं जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर के खिलाफ इस हमले में चार्जशीट दायर करने पर विचार कर रही है। अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार जनवरी में एयरबस पर हुए हमले के दौरान जैश के हैंडलरों का फेसबुक का आईपी एड्रेस और जैश का वित्तीय मामला देखने वाले संगठन अल रहमत ट्रस्ट की वेबसाइट का आईपी एड्रेस और लोकेशन पाकिस्तान है। जैश के हैंडलर काशिफ जान के दोस्तों तथा पठानकोट में मारे गए चारों आतंकियों ने जिस फेसबुक ग्रुप्स का उपयोग किया था वो भी जैश से जुड़े हुए थे। कश्मीर घाटी में 51 दिन बाद कर्फ्यू हटाया गया। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने 51 दिनों के बाद सोमवार को समूची कश्मीर घाटी से कर्फ्यू हटाने की घोषणा की है। हालांकि श्रीनगर और पुलवामा के कुछ इलाकों में लोगों के जमा होने पर पाबंदी जारी रहेगी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि श्रीनगर के व्यवसायिक क्षेत्र शहर खास और अनंतनाग को छोड़कर घाटी के ज्यादातर इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया है। गौरतलब है कि अनंतनाग जिले में गत 8 जुलाई को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के शीर्ष कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने की घटना के दूसरे दिन 9 जुलाई से कश्मीर घाटी में कर्फ्यू लागू था। इस दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में 70 लोगों की मौत हो गई थी। जैन मुनि का अपमान करने वाले मामले में विशाल ददलानी पर केस दर्ज। ट्विटर द्वारा जैन मुनि पर टिप्पणी करने के बाद मशहूर सिंगर और म्यूजिशियन विशाल ददलानी और पूनावाला के खिलाफ जैन समाज के एक सदस्य ने दिल्ली के शाहदारा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। व्यक्ति ने ददलानी और पूनावाला पर जैन मुनि तरुण सागर के अपमान का आरोप लगाया है। उल्लेखनीय है कि तरुण सागर जी महाराज बिना कपड़ों के रहते हैं और ददलानी ने ट्विटर पर उनकी इस वेशभूषा पर अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी। ददलानी की टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ लोगों ने ट्विटर पर मोर्चा खोल दिया था।